और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तीन संवाददाता जुड़ रहे हैं, अमित यादव हमारे संवाददाता कोटपुतली से, दामोदर और शरद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शरद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। शरद, बताइए रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, रैली को लेकर के लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं अलग अलग जयपुर से। जयपुर के अंदर ट्रैफिक पुलिस की ओर से पार्किंग के अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे जो बस है अभी आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों से ये बसें पहुंच रही है और कलर कोडिंग के जरिए इन्हें अलग अलग जगह खड़ा करवा कर यहाँ से जो लोग बसों के जरिए आ रहे हैं राजस्थान भर से, उनको सभा स्थल के पास भेजा जा रहा है। जो लोग पहुंच रहे हैं उनको मैं सीधा आपको दिखाना चाहूंगा। ये सड़क के किनारे जो पार्किंग स्थल है आप देखेंगे, यहाँ पर लगातार लाइनें लगी हुई है क्योंकि अभी से ही बसों का पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान भर से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आगे इनके ऊपर बैनर लगाकर आए हैं ये लोग, कहाँ से ये यहाँ पर आए हैं। जैसे ये आप बस देखेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि चित्तौड़गढ़ से ये बस यहाँ पर पहुंची है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं जो कि अब यहाँ से सभा स्थल के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये जिस तरह से परशुराम सर्किल के पास में अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर एक तरफ ये जो लाइन लगाई गई है ये अजमेर से आने वाली बसों के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दूसरी तरफ की मैं वो स्थिति दिखाऊंगा जहां से टोंक रोड से जो बसें पहुंच रही है वहां से पहुंचना लोग शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे कि फुटपाथ के किनारे काफी लोगों की अब संख्या भी यहां पर जमा होना शुरू हो गए हैं, जो कि अब धीरे धीरे ये लोग सभा स्थल के पास में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की बात करें, जयपुर पुलिस की बात करें, वो सभी यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उन सभी की कोशिश यही है कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग यहां से सभा स्थल के पास पहुंच सके। ये लोग हैं जो सुबह यहां पर, काफी ठंड है आज की बात की जाए जयपुर के अंदर, और इस बीच यहां पर ये सभा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इन लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं कहां से ये लोग आए हैं, कहां से फिलहाल आप यहां पर पहुंचे हैं, किस तरह का जोश कहा जा सकता है कि आप सभी में देखा जा सकता है। ये महंगाई का जोश है और राजस्थान जिले से, राजस्थान के हम चित्तौड़ जिले से जड़ा साहब के नेतृत्व में पधारे हैं हम। बिल्कुल, और कहाँ और कितने लोग साथ में आए होंगे आपके? हम आए ना 350 आदमी आए हम। अच्छा, क्या क्या मांग क्या रहेगी, किस तरह से मांग रखेंगे अपनी महंगाई को लेकर? बिल्कुल, तो लोग आहत हैं महंगाई से, साफ तौर पर देखा जा सकता है शरद। और हमारे संवाददाता दामोदर प्रसाद भी जुड़े हैं, दामोदर के पास चलते हैं। दामोदर, हम देख पा रहे हैं कि प्रदेश के कोने कोने से जो नेता है, कार्यकर्ता है, पहुंच रहे हैं, जोश काफी आई है ठंड में भी। देखिए, फिलहाल हम अभी एयरपोर्ट पे मौजूद हैं जहां देश भर के विभिन्न राज्यों से कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पहुंच रहे हैं जयपुर, क्योंकि कल भी दिन भर जो दिग्गज नेता था उनका आना जारी था। जैसे कि असम वाले पीसीसी चीफ से हमारी बात हुई थी, जयपुर पहुंचते एयरपोर्ट पर जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा करीब 1000 लोग आसाम से जयपुर यहाँ पहुंच रहे हैं, महंगाई हटाओ महारैली में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इन सब की मांग है कि जिस तरीके से देश भर में महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ राजस्थान के राजधानी जयपुर यहाँ पहुंच रहे हैं, जो महारैली में शामिल होंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। ये जो महंगाई हटाओ महारैली आयोजित की जा रही है उसमें शामिल हो रहे हैं। आज करीब 11 बजे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, स्टेट हैंगर पर पहुँचेंगे, चार्टर्ड विमान द्वारा ये जयपुर पहुँचेंगे यहाँ पर, क्योंकि मुख्यमंत्री सहित जो राजस्थान के दिग्गज नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जो सत्ता में हैं, वो सभी लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए पहुँचेंगे। जैसा कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश भर से जो नेता आ रहे हैं, अभी आना जारी है क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो नेता है कांग्रेस के उनका पहुंचना जारी है। जी बिल्कुल, और स्वागत के लिए भी लगातार तैयारियां की गई। हम देख पा रहे हैं दामोदर की 15 सदस्यीय खासतौर से एक दल भी बनाया गया जो स्वागत करेगा स्टेट हैंगर पर जाकर, बने रहेगा। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं शरद। शरद, बहुत सारे लोग आपके आसपास इकट्ठा हैं, बात करिए कितना जोश है। बिल्कुल, ये चित्तौड़गढ़ से पहुंचे हुए लोग हैं जो कि यहाँ पर अपनी मांगों को रखते हुए नजर आएंगे। महंगाई सबसे बड़ी कहा जा सकता है मांग है कांग्रेस के, देश भर से लोग पहुंचेंगे, सभी आज यहाँ पर यही केंद्र सरकार से मांग करते हुए नजर आएंगे कि महंगाई को कम करना चाहिए, कमर तोड़ महंगाई है जो नहीं सही जा सकती। किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे आज जो लोग देश भर से पहुंचेंगे या केंद्र सरकार के सामने? केंद्र सरकार के सामने बात रखेंगे हम, पेट्रोल ने हमारी बिल्कुल कमर तोड़ दी है, किसानों की कमर तोड़ दी है,
700-800 हमारे किसानों की अभी मौत हो चुकी है वहां, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बीजेपी सरकार झांसे पे झांसा दे रही है। इस आवाज को बुलंद करने के लिए हम आज हमारे सारे काम छोड़ के इस मतलब सर्दी में हम यहाँ रात दिन एक करके मतलब इतने व्यक्ति यहाँ पधारे हैं और सारा आज मतलब जयपुर गूंज उठेगा, आज पूरा दिल्ली गूंज उठेगा और पूरा भारत गूंज उठेगा आज। और हम महंगाई के विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन में हम बता रहे हैं। तो अब सभा स्थल के लिए रवाना होंगे? सभा स्थल के हम रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, सभा स्थल के लिए कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आप देखेंगे कि पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है, पुलिस नजर बनाए हुए हैं यहाँ पर, काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो उनको कहा जा सकता है कि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो, सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, यहाँ पर ये ध्यान रखा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस है जो कि यहाँ पर पहुंच चुकी है मोर्चा संभालने के लिए, वो देख सकते हैं। तो तमाम वो सारी चीजें हैं पुलिस और प्रशासन की ओर से कि जिससे कि जो राज्य भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, शांतिपूर्वक तरीके से वो अपनी मांगों को यहाँ पर रख सके, केंद्र सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचा सके। क्योंकि महंगाई हटाओ महारैली है, कई VIP VVIP यहाँ पर आज पहुंचेंगे देश भर से, उनके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर जयपुर शहर में की गई है। एयरपोर्ट से करके जो जहां पर मैं अभी मौजूद हूं विद्याधर नगर में, यहां तक के लिए ट्रैफिक एक चार्ट तैयार कर लिया गया है जिससे कि जो भी VIP VVIP पहुंचते हैं तमाम प्रोटोकॉल के तहत यहां पर उनको लाया जा सके, उनकी सुरक्षा व्यवस्था रखी जा सके, जिस तरह का प्रोटोकॉल उनको यहां पर मिला हुआ है। तो इनको लेकर के पिछले 3-4 दिन से पुलिस और प्रशासन सक्रिय था, उन्होंने अपनी बैठकों को अंजाम दिया था और उसके बाद में फिर आज देखा जा सकता है कि वो तैयारियां यहां दिखाई दे रही है। 12 IPS अधिकारी हैं जो कि इन सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जयपुर शहर में मॉनिटरिंग रख रहे हैं। इसके अलावा 6000 पुलिस कर्मियों का जाब्ता है जो कि आज जयपुर शहर में लगाया गया है, साथ ही 2000 ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं जो कि ट्रैफिक यानी शरद हम कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी तगड़ी है। बने रहेगा हमारे साथ, कोटपुतली से हमारे संवाददाता अमित यादव भी जुड़े हैं। अमित बताइए आप कहां खड़े हैं इस वक्त और इस वक्त क्या माजरा है वहां पर? मैं इस समय खड़ा हूँ दिल्ली जयपुर हाईवे पर, जहां पर जो एक तरफ दिल्ली और एक तरफ जयपुर है, यहां से कुछ गाड़ियां यहां से रवाना शुरू हो गई हैं, कुछ छोटे वाहनों से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां निकले हैं। लेकिन एक बड़ी बात सामने आई कि जैसे जिला कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि पूरे हाईवे पर खासकर 148 हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, क्योंकि VVIP मूवमेंट भी होगा और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं कई गाड़ियां निकलेंगी। अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पे तो पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं दिखा, एक हाईवे की गाड़ी हमारे सामने आई है कि अल सुबह से ही यहाँ पे चिकित्सा की टीम और पूरे SHO सहित भारी पुलिस जाब्ता जगह जगह खड़े किए जाएंगे, साथ में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था। तो यहाँ पे 148 जो हाईवे है पनियाला से लेकर बात करें पूछनी कर तक, हमें कहीं भी ऐसा कहीं नजर नहीं आया कि जहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि जो दिल्ली से आने वाले वाहन है उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ में ये भी बताया गया था कल कि जो राजकीय BDM अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उसमें VIP आरक्षित बेड किए गए हैं विशेष, और 10 सामान्य बेड आरक्षित किए गए। लेकिन ऐसी व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है कि जिसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई माकूल व्यवस्था की गई है। अभी भी बात करें तो किसी प्रकार से कोई यहाँ पे न तो प्रशासन का कोई नुमाइंदा नजर आ रहा है, ना ही कोई पुलिस के अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही देखी जा रही है। हालांकि कई वाहन साधन यहाँ से गुजरने शुरू हो गए हैं और जैसे सूरज की लाली बढ़ी है वैसे ही यहाँ पे यातायात भी थोड़ा सा भारी होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, यातायात भारी होता दिख रहा है साफ तौर पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ। दामोदर भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं जो एयरपोर्ट के बाहर हैं। दामोदर आप बता रहे थे कि चार्टर विमान से वो पहुंचेंगे स्टेट हैंगर, बताइए जब यहाँ पहुंच जाएंगे उसके बाद उन्हें विद्याधर नगर स्टेडियम जाना है, इसके दौरान क्या क्या गतिविधियाँ होंगी? देखिए जैसे ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उनकी अगवानी के लिए खुद मुख्यमंत्री और PCC चीफ सहित जो सत्ता में मंत्री हैं वो पहुंचेंगे यहाँ पर। वहाँ से उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, खास तौर से जो अन्य राज्य के अन्य कांग्रेस नेता हैं उनकी अगवानी के लिए भी विधायक रफीक खान और पुष्पेंद्र जो कि प्रत्याशी है, विधायक पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित और अन्य जो कांग्रेस के नेता उनको
टर्मिनल टू पे रखा गया है कि उनकी अगवानी की जा रही है, खासतौर से जो जिनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है नेताओं को, उनके लिए प्रोटोकॉल लगाया गया है, पुलिस की व्यवस्था की गई है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दामोदर, तो कुल मिलाकर हम भी लगातार ये महा कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि महारैली की महा कवरेज कर रहा है जी राजस्थान, और लगातार करता रहेगा। आप लोग भी बने रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तीनों का।